leave the house. It's a chadamanga now. नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। अभी देख रहे भारत के सबसे खूबसूरत इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा एक जगह में रेस्क्यू करने के लिए आए हैं। ये देख रहे हैं, ये एक्चुअली अभी हाइबरनेशन का बाद बाहर निकला है और यहाँ एक पानी का ये हौदा है सहारा, जहाँ पर ये फंसा हुआ है। शायद वो खाने का भोजन का संधान में घुस गया था, तो हम लोग इसको रेस्क्यू करेंगे। देखिए ये जब जो है इस तरह खतरा महसूस होता है, इस तरह फन उठा खड़ा होता है। ये देखिए फुफकार का आवाज़, देखिए इसका बहुत बिग साइज का ये एक मादा कोबरा है। और हम लोग झारखंड में इस सांप को हम लोग खरीस बोलते हैं, कहीं गोमन बोलते हैं। और ये सांप का सबसे बड़ा खासियत यह है कि जब ये बाइट करता अपना फन उठाता है और उसके बाद जो है ये काटने का प्रयास करता है। देखिए एक चीज़ दिखाते हैं, इसका बैक साइड में एक हुड में एक चश्मा का आकार होता है, जिसके कारण हम लोग बोलते हैं त्रिशूल का आकार। एक्चुअली इसका इनवैलिड हो गया, थोड़ा सा दिखाई नहीं पड़ रहा। और ये स्पेक्टिकल कोबरा इसलिए बोलता है क्योंकि चश्मा का आकार होता है। अपना हम देख लेंगे लास्ट में वीडियो बाद में। ऊपर देखता है पापा, मम्मी मम्मी ये ऊपर देखता है। ऊपर देख रहा ना, तुम्हें को देख रहा। ये जहर देख खाया है। अब जा देख ले ना, पकड़ लिया, काट दिया कैमरे में तेरे को। अरे बाप रे, मारा दो बार काट, जान छोड़ दिया। सच्चा तो नाग है, नाग नाग ही बोलते। दोस्तों आप सभी को अनुरोध है कि ये सांप कभी भी बाइट कर ले तो आपको डरे नहीं, क्योंकि ये सांप में एक खासियत है, 100 में से 80 बार बिना जहर का काटता है। मतलब आपको कभी भी बाइट करेगा तो ये मत सोचिए हमको जान चला जाएगा, क्योंकि इसका जहर जो है अक्सर जो है कभी कभी ये फॉल्स बाइट होता है। और दूसरी बात है, जब काटता है इसमें जहर छोड़ता ही नहीं। ये अगर आज कोई भोजन करता है, कोई खाना खाता है, उसमें अपना पूरा जहर छोड़ देता है, फिर ये 15 दिन तक किसी भी इंसान को काटे वो इंसान मरेगा नहीं। उसके बाद ये सांप में 12 मिलीग्राम जहर जाएगा इंसान का शरीर में, तभी मरेगा। और उससे कम जाएगा तो इंसान को मौत नहीं होगा। इसका चलिए देखिए, बिल में घुसा, बिल में घुस रहा इधर। चलो चलो चलो, देखिए ये भले ही देखने खूबसूरत लगता है, लेकिन जो रसम वाइपर है ना, ये इससे खतरनाक है। तो फिर भी